हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पता सा बढ़िया होंगे ना। तो हम पहुंच चुके हैं कपूरथला रेलवे स्टेशन और रात के बज रहे हैं 9:42। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है कपूरथला स्टेशन से। वो बैठे हैं अक्षु और अक्षु की मम्मी। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने टिकट ले ली है और 300 रुपये की दो टिकट आई है। अक्षु की टिकट नहीं लगेगी, अभी छोटी है ना। तो 10:40 पर हमारी ट्रेन है यहाँ से। तो अक्षु कहाँ पे जा रहे हैं हम? वैष्णो देवी क्या करने जा रहे हैं? मथा टेकने जा रहे हैं। बोलो जय माता दी। अक्षु आप कहाँ पे रहते हो? सैनिक स्कूल। तो अक्षु को हम जा रहे उधर भेद बहुत है, दोनों का हाथ मैंने पकड़ के रखना है, नहीं तो मैं घूम हो जाऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ गई है और हमें बैठना है S2 में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं कटरा। तो ये यहाँ का स्टेशन है। तो अभी हमें जाना है आगे। अक्षु और उनकी मम्मा जी चल रहे हैं आगे आगे और मैं चलता हूँ पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, ये लंबी लाइन लग रखी है पास बनाने के लिए, जो कि जरूरी है अंदर जाने के लिए। चलो जा रहे बाहर फ्रेश होने के लिए और करते हैं आपको मिलते हैं बाहर जाके। तो फ्रेंड्स, स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, किसी ने टैक्सी लेना है यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं ढाबे में ब्रेकफास्ट करने के लिए और अभी हमारा प्लान है खाने का मैगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे, रूम लिया था। और वो दूर हमने जाना है माता जी के दरबार में। साफ दिख नहीं रहा कि बादल रखे, पूरे बादल से ढके हुए, पूरा पहाड़ बादल से ढका हुआ है। तो बहुत ही खतरनाक मौसम हो रखा है। बस थोड़ी देर में निकलते हैं, गाड़ी आती है तो हमें जहाँ से पहाड़ी स्टार्ट है वहाँ, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है वहाँ पे छोड़ देगी, वहाँ से आगे हमें जाना है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। मौसम देखो, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा पहाड़ ढका हुआ है बादलों से। मिलते हैं आप दूसरे बार।
फाइनली फ्रेंड्स हम जहाँ चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हमारी जो यात्रा है माता वैष्णो देवी के लिए स्टार्ट हो गई है। 3:18 हो गया, देखते कितने तक पहुँचते रात को हम। बाकी बीच बीच में मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, आप लोगों से बातें करता रहूँगा। तो जिसने पालकी और पिट्ठू करवानी है वो यहाँ से करवा सकते हैं। अरे क्यों देख रहे हो? और जिसने घोड़े कराने हुए यहाँ से करा सकते हैं। चलते चलते रात हो चुकी है, रात के बजने वाले हैं, बजने वाले क्या 9 बज चुके हैं रात के। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भवन तक, वो सामने है भवन।
की चल चल के ना पैरों की बैंड बज गई है। वहीं माता जी ने बुलाया था और माता जी के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये भी भवन में पहुँचते हुए मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा व्यू है रात का भवन का। मथा तो हमने टेक लिया, बट अंदर जो है फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता। सिर्फ जो हमने चढ़ावा चढ़ाना होता है वही अलाउड होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं अलाउड था। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना सामान लॉकर में रख के जाइएगा। तो ये कुछ रात का व्यू है भवन का, जो कि मैं उसके सामने जो कंटीन एरिया है वहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। तो इन्जॉय करिए। फाइनली फ्रेंड्स, हमने अपना जो पार्ट है हम जा रहे हैं वापस कटरा की तरफ अपना सामान पिकअप करने के लिए। सामान पैक करते हैं, देन देखते हैं ट्रेन का क्या हिसाब है, फिर निकलते हैं घर की तरफ। लास्ट टाइम देख लो दोबारा।